नमस्कार दोस्तों दोस्तों लांसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड इसने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स पेश कर दिए दोस्तों। और आपको नंबर से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं, लांसर कंटेनर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक साल में बहुत भयंकर गिरावट दिखा चुका है, बल्कि क्रैश वर्ड कहना सही रहेगा, दिखा चुका है। और अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे जो इसने हाई बनाया है एक साल में, वहाँ से 70% क्रैश हो चुका है और 70% में 7% तो स्टॉक आज ही क्रैश हुआ है। तो बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारे इश्यूज ये स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। और बहुत सारे निवेशक ये मानते हैं कि एक मैं कमेंट पढ़ा था इसके ऊपर, वीडियो बनाया था, घटिया कंपनी है, फर्जी कंपनी है, ये है वो है। तो क्या ये नंबर जो आएंगे वो ये तमाम चीज़ों को पलट के रख देंगे, या आप कह सकते हैं कि जो एक गिरावट थी ये जायज़ थी और स्टॉक बहुत ज़्यादा ख़राब आया। तो देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर देखने को मिल रहे हैं वो लैक्स में है, शानदार प्रिंटिंग यार, बहुत कम कंपनी इतनी अच्छी प्रिंट दिखाती हैं, लैक्स में है। तो थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके। अब चलते हैं सबसे पहले, और ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लैक में दुपड़िंद्र कर दीजिए 202 करोड़ है, एक साल पहले 166.32 करोड़ है। अदर इनकम आप देखोगे तो 7.12 करोड़ है, जो एक साल पहले 4.35 ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ रुपए है। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम आपकी इस साल आएगी कितनी, 209 करोड़, जो एक साल पहले कितनी थी, मात्र 170 करोड़। शानदार जंप, पिछले क्वार्टर में 174 करोड़, शानदार जंप, यानी इनकम में कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक जंप दिखाया है, ओके। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन क्या खर्चे भी उसी तरह तो नहीं बढ़ गए हैं कहीं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहा है आपका, 176.51 करोड़, जो एक साल पहले 135 करोड़ था, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना रहा है, 4.49 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के आसपास, एक साल पहले कितना था ये, 3.86 करोड़, आपके यहाँ भी खर्चे बढ़ गए। फाइनेंस कॉस्ट 2.25 करोड़ के आसपास है दोस्तों, 2.4 करोड़ ऑलमोस्ट है, जो एक साल पहले 33 करोड़, 3.33 करोड़ थे, तो यहाँ कुछ पैसे बच गए। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 5.22 करोड़ है, जो एक साल पहले 7.5 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस में अगर आप नजर डालोगे तो ये 2 करोड़ रुपए निकल के आए हैं, जो एक साल पहले 2.90 ऑलमोस्ट 3 करोड़ था। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 190 करोड़, जो एक साल पहले 152 करोड़ रुपए था, ठीक है। अब आप इन सब के बाद देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, यानी टैक्स के पहले कितना आया है, 18.5, यानी 18.5 करोड़, एक साल पहले कितना था ये, 17.82 करोड़, पिछले क्वार्टर में 13.56 करोड़, भाई साहब ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। देखिए ईयर ऑन ईयर जंप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही, लेकिन जब आप ऊपरी स्तरों से 70% टूट जाते हो ना, तो उसके सामने तो ये काफ़ी अच्छे नंबर है। और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद अगर आप जो भी टैक्स खर्चा उसको हटा दें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आएगा, 15.9, यानी लगभग 16 करोड़, जो एक साल पहले 14.20 था और पिछले क्वार्टर में ये मात्र 12 करोड़ था। मैं ये कहूँगा ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है दोस्तों। और फिर आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आखिरी में 11.71 करोड़, ठीक है। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस देखने को मिल रहा ना, उसके बाद 11.71 करोड़, जो एक साल पहले 15.37 था। लेकिन देखिए प्योरली आप देखोगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, और यही कारण है कि मैं नीचे चलूँ EPS देखूँगा तो आप पाएंगे जहाँ एक साल पहले 62 पैसे का EPS था, वो बढ़कर के 67 हो गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 51 पैसे का था। तो भाई साहब 70% के क्रैश के बाद अगर आप ये रिजल्ट दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई बहुत भयंकर गिरावट होने के इसमें चांसेस हैं, ओके। एटलीस्ट प्राइमा फीस या कुछ अंदर कुछ हो रहा हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट कंपनी ने इस बार जो नंबर पेश किए हैं मैं ज़रूर कहूँगा इतने बुरे नहीं हैं जितना स्टॉक गिर चुका है। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब बाजार रुकने का नाम ही नहीं ले दे रहा है, लगातार क्रैश, लगातार गिरावट हो रही है, तो कोई भी चीज़ को हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि कल बाज़ार किस तरह रहेगा। लेकिन हाँ, क्या 30 रुपये के अपने ह्यूमंगस सपोर्ट के जहाँ ये खड़ा है उसे बचा पाएगा, 30 रुपीज़ मुझे देखना पड़ेगा कल बाज़ार किस तरह रिजेक्ट करता है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।